हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है सो क्या क्या चीज़ पढ़ना है, जो कि जिससे जो है सो पूछे जाने वाले क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह एक कंसेप्चुअल जो है सो टॉपिक है, और इस टॉपिक में जो है सो हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म से मोस्टली क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनता है, जो कि या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और कम्प्लेक्स भी जो है सो होता है। तो ऐसे स्थिति के लिए जो है सो हम लोग इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है सो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। तो पहले जो है सो हम लोग लिखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बेस्ड ऑन फाइव कॉन्सेप्ट, यह जो फाइव कॉन्सेप्ट पर जो है यह आधारित है। और ये फाइव कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले जो है सो हम लोग देख लेते हैं। यह जो है फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकेंड, बॉन्ड क्लीवेज। थर्ड या सी पार्ट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और डी पार्ट जो होगा नेचर ऑफ रिएजेंट्स, फिफ्थ पार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी यह रिएक्शन मैकेनिज्म में जो कि आधारित है फाइव कॉन्सेप्ट है। और ये फाइव कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसके लिए जो है सो हम लोग अभी जो है इस क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, ये सभी का सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब जो है सो इसमें सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट जो है, जो कि बॉन्ड क्लीवेज। तो यह जो बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक होमोलाइटिक और दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसके बाद जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट है सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बिना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम लोग रिएक्शन को जो है सो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो इम्पोर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का। तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखेंगे कि जब भी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है। वह इंटरमीडिएट स्टेट जो होता है वह काफ़ी जो है सो अनस्टेबल होता है, यानी कि उसको हम लोग अनस्टेबल प्रोडक्ट बताते हैं। लेकिन वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है सो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बनने के बाद जो कि बाद में जो है सो एक जो है बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वह स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसके बाद जो है सो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रिएजेंट। नेचर ऑफ रिएजेंट में जो है दो तरह का नेचर ऑफ रिएजेंट,
एक जो है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सो जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा यह जो है सेवन स्टार बनेगा, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है सो इसको बॉन्ड के लिए भेज को जो है सो यहाँ से हम लोग टू स्टार देंगे। यह भी इम्पोर्टेंट होगा लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कंपेरिजन में कम होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यह जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा यह थ्री स्टार बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यह रिएजेंट जो होगा इसको हम लोग जो सो फोर स्टार दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि यह भी जो है इलेक्ट्रोफाइल वगैरह ये भी जो है या न्यूक्लियोफाइल ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब जो है सो ये जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो है ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट को जो है सो हम लोग जो है इसको दे सकते हैं फाइव स्टार, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और यदि हम लोग देखना चाहते हैं तो इसमें जो है सो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों जो है सो यदि आपको कंफर्म है या आपको कमांड है तो जो है सो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी है और ये बॉन्ड क्लीवेज भी, नेचर ऑफ रिएजेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है बोर्ड्स में, सॉरी मेडिकल इंजीनियरिंग में। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म इस पार्ट फाइव कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि ये फाइव कॉन्सेप्ट यदि स्टूडेंट को क्लियर है, इसका मतलब कर सकते हैं कि इस फाइव कॉन्सेप्ट पर जो है वह स्टूडेंट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक का मोस्टली जो प्रॉब्लम जो है वह प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। सबसे यदि कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो है सो इम्पोर्टेंट जो है यही रिएक्शन मैकेनिज्म है। और इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को लोग GOC के नाम से भी जानते हैं, लेकिन GOC में और भी जो है सो कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह का है, वो आइसोमेरिज्म वगैरह का भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आइसोमेरिज्म को यदि उधर जो है सो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल को हम लोग जो है सो यदि अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। तो अब जो है सो इसमें हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, और इस टाइप में जो है सो सभी को जो है सो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम लोग जो है सो कहते हैं पार्ट ए। इस पार्ट ए में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है और जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में यह जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसको हम लोग कौन कौन से जो है सो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा जिसको हम लोग जो है सो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस और माइनस आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सेकेंड जो होगा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद सी पार्ट जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इसका डी पार्ट जो होगा हाइपर कंजुगेशन। मतलब इसी जो है सो ये फोर पार्ट में जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें कहा जाए तो ये जो है सो सेवन स्टार इसमें हम लोग रेजोनेंस और इसको जो है सो दे सकते हैं, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं ये जो है सो सेवन स्टार, ये जो है सो फाइव स्टार क्वेश्चन के लिए।
ये जो फाइव स्टार और सेवन स्टार कहने का मतलब, और ये इसको जो सोम लोग कहेंगे कि ये जो थ्री स्टार है, यानी कहने का मतलब ये थ्री स्टार फाइव स्टार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस वजह से जो है सो हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इकोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग इतना टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद जो है सो फिर हम लोग देखते हैं पार्ट बी। तो इसमें जो है सो देखते हैं पार्ट बी में बॉन्ड की लैंग्वेज। इस बॉन्ड क्लीवेज में टू टाइप का बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और सेकेंड टाइप जो होगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मतलब हम लोग यहाँ से इस जब बॉन्ड क्लीवेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस बॉन्ड क्लीवेज में टू टॉपिक को कवर करेंगे, एक होमोलाइटिक और दूसरा हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है किस तरह से यह जैसे ब्रेक, यानी कहने का मतलब कि बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करता है, क्योंकि जब भी जो है सो रिएक्शन जब होता है तो उसमें ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है वो किस तरह से, यानी कौन से मेथड से वो ब्रेक करता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या कंडीशन होगा और यह हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या कंडीशन होगा, तो ये जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब यहाँ पर जैसे डिटेल देखेंगे कि यह होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक जैसे बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। इसके बाद जैसे हम लोग पार्ट सी देखेंगे, या जो पार्ट सी में जो है जो होगा पार्ट सी में इंटरमीडिएट 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 प्रोडक्ट। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सेकेंड कार्बेनायन, थर्ड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फोर्थ में कार्बिन, फिफ्थ में नाइट्रीन, सिक्स में बेंजाइन। यह जो है हम लोग का सिक्स टाइप का जो है बॉन्ड क्लीवेज पढ़ना है, और ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है कि कौन से रिएक्शन में कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो उस अल्काइल हैलाइड में जो है सो हम लोग ये भी देखते हैं कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है जितने भी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये सभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है काफी इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन में जो रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों के दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, और वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वन बाय वन करके इसको हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो है पार्ट सी के बाद जो है हम लोग देखते हैं पार्ट डी। तो इसमें नेचर ऑफ रिएजेंट्स, नेचर ऑफ
रिएजेंट्स। रिएजेंट्स का नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और सेकंड जो होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये टू टाइप का जो है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में। इसके बाद जो है सो लास्ट पार्ट जो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे सबसे फर्स्ट टाइप का रिएक्शन जो होगा रिएक्शन, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिअरेंजमेंट, रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, और लास्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो इस टाइप का जो है सो इतना सारा रिएक्शन जो है इसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है यह जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन और यह जो है सो रिअरेंजमेंट रिएक्शन। यह जो है रिएक्शन काफी इम्पोर्टेंट है और इसी सब रिएक्शन से जो है मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि जैसे अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इस सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी तरह फिर यह जैसे एडिशन रिएक्शन में भी जो है सो कई टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि यह जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है यह भी काफी इम्पोर्टेंट है और इसी पर जो है सो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सो डिपेंड करता है। तो यानी हम लोग यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि जितना टाइप का रिएक्शन है वह सभी रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है और वह मैकेनिज्म जो है सो किस किस तरह से जो है सो वह जो है सो स्टेप बाय स्टेप,
यानी कहने का मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि यह जो है सो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि जब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन जब मिलता है किसी भी रिएक्शन का, तब उसको जो है सो हम लोग कहते हैं उसका मैकेनिज्म यानी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो यह जो है सो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इस रिएक्शन मैकेनिज्म पर जो है सो ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादा जब फोकस करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक से पूछा हुआ जितने भी क्वेश्चन है उसमें मोस्टली जो है इसी रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जैसे फिर जो है सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट या फिर जो है सो इसी का जो है सो कॉन्सेप्ट लेकर जो है वन बाई वन करके सभी जो है सो स्टेप हम लोग देखेंगे। जैसे यानी इसमें जो है सो फाइव पार्ट जो मैंने डिवाइड किया है वो फाइव पार्ट में जो है सो जैसे बॉन्ड क्लीवेज हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब इंडक्टिव इफेक्ट, उस इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सो देखते चलेंगे।